देखिए, अगर आगामी 5 से 6 दिनों की बात करें तो आज 18 तारीख को भी मतलब पूरे प्रदेश में ही देखिए रेनफॉल एक्टिविटी मतलब जारी रहने की संभावना है। सुबह से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है और पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव रहा है। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एक दो स्टेशन पे भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो हाईएस्ट था 113 mm। वहीं शिमला की बात करें, शिमला में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई थी। तो ये जो अभी एक्टिविटी है जो आपने हम कल विटनेस की, वो देखिए कल तक जारी रहने की संभावना है। इसके चलते कुछ एक स्थानों में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना बनी रहेगी। फिर 19 तारीख से वेदर में कमी आएगी। फिर 23-24 तारीख तक मतलब कुछ एक स्थानों में ही हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी कल 19 तारीख से पूरे प्रदेश में। और ऐसा कोई मेजर अलर्ट नहीं है और तापमान भी इस समान नहीं चल रहे हैं। अभी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो पॉइंट साइड में रिकॉर्ड किया गया था, और जैसे ही कल से एक्टिविटी में थोड़ी कमी आएगी वेदर में, तो थोड़ा ग्रेजुअल राइज करेंगे डे टेम्परेचर, जो जो कि मतलब थोड़े ग्रेजुअली फॉल हुए थे पिछले 24 घंटों में। सर, आंकड़ों की अगर बात की जाए क्या कहना है इसमें? क्या देखिए, सितंबर मंथ की बात करें तो केवल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, जहां सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है। और पूरे माह मतलब सितंबर अभी तक 18 तारीख तक सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे प्रदेश में, जो कि -40% है। अगर पूरे सीजन की बात करें 1 जून से लेकर अभी तक, तो प्रदेश में देखिए सामान्य से 24% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें कि हाईएस्ट है वो सोलन में है, 78% सामान्य से अधिक है। उसके बाद शिमला है 72%, फिर बिलासपुर है अराउंड 67% है। केवल एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति जहाँ सामान्य से कम है, और कांगड़ा, ऊना और चंबा में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 18 सितंबर तक। सर, बात की जाए जिस तरह बारिश है वो पूरे साल ही ऑलमोस्ट रही है, इस पर बर्फ का भी सर कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ज़्यादा हो सकती है? नहीं, अभी देखिए अभी जो फोरकास्ट है वो तो देखिए आगामी जो 7 दिन हैं उसमें तो ऐसे कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। हाँ, पिछले 24 घंटों में जो हाई रिचेज हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के, वहाँ में हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई है जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। परंतु जो आगामी जो 5 से 6 दिन हैं, जैसे मैं कहा कि 19 तारीख से कल से मतलब वेदर में कमी आएगी, इसके चलते जो हमारे जो मतलब प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, मिडिल के डिस्ट्रिक्ट, वहाँ कुछ एक स्थानों में ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, और ऐसे कोई मेजर कोई अलर्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।